मेरा सवाल से कहना यह है कि काम हम लोग करना है, विगत 8 साल 10 साल से काम करते आ रहे हैं, तो काम कैसे होगा उसका हमको एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं, फिर और काम आपको लेना है, तो बीच में ये एजेंसी हायरिंग क्यों किया जाना? राजभवन के पास आंदोलनकारियों का धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। स्वच्छ भारत मिशन के कर्मी आज यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, आज इनका चौथा दिन है। क्या मांगे हैं, क्या आगे कहाँ तक बात बढ़ी, यही सभी तमाम बातों को लेकर इन तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी समस्या किनसे है और क्या है। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम अनुज श्रीवास्तव है। क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को धरना पे बैठने का, थोड़ा सा बताइए उस बारे में। हम लोग पूरे राज्य भर के कर्मी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग विगत 8 साल 10 साल से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत विभिन्न लेवल पर, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल पर काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में फेज 2 लाया जा रहा है और उसमें पहले से बाकी जो शेष पद रह जाता है उस पर ही नई नियुक्ति की जाए। अच्छा, तो आप लोग का अनुबंधन कब से कब तक था? ये हम तो ऐसे 2014 से काम कर रहे हैं, उस समय निर्मल भारत अभियान था, उससे पहले भी एक संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलता था, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जो संपूर्ण स्वच्छता से, निर्मल भारत से, तब जाकर अभी स्वच्छ भारत मिशन में आए। मैं पहले निर्मल भारत में था, फिर स्वच्छ भारत मिशन जब आया तो उसमें समायोजित किया गया, अभी हम 8 साल से इसमें कार्यरत हैं। तो 31 दिसंबर को ये अनुबंध खत्म होने वाला है ना, तो आपकी परेशानी किससे है? केंद्र सरकार से है, झारखंड सरकार से है? नहीं, केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है, वो सारा पोस्ट को भी इसमें देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, इन दिस रिगार्ड इट इज सर्टिफाइड दैट अलाउिंग हायरिंग ऑफ PMUs इज नॉट इंटेंडेड फॉर डिस्ट्रिक्ट यूनिट रिप्लेसिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टाफ, मतलब जो पहले से स्टाफ है उनको रिप्लेस नहीं करना है, लेकिन इसके बावजूद, जबकि अगल बगल के राज्यों में आप देख सकते हैं असम, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सब राज्यों में ऑलरेडी पहले से जो कार्यरत कर्मी हैं उनको रख लिया गया है, लेकिन यहाँ नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है, पोस्ट जो था उसको आधा से भी अधिक कम कर दिया गया है, हर एक जिले में कार्य लेने के लिए एक एजेंसी हायर की गई है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, और उनके द्वारा कार्य लिया जाएगा। मेरा सवाल से कहना यह है कि काम हम लोग करना है, विगत 8 साल 10 साल से काम करते आ रहे हैं, तो काम कैसे होगा उसका हमको एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं, फिर और काम आपको लेना है, तो बीच में ये एजेंसी हायरिंग क्यों किया जाना? झारखंड सरकार कर रही है एजेंसी हायर? ये झारखंड सरकार के द्वारा ऑलरेडी सभी जिलों के लिए एजेंसी हायर हो चुका है, और इसमें जो नीति निर्माणकर्ता जो यूनिसेफ के कुमार प्रेमचंद हैं, उनके द्वारा ऐसा गाइडलाइन ये पूरा तैयार किया गया है, जो भी निर्माणकर्ता है उनसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज 7 साल 8 साल काम करने के बाद वो भी कहीं काम कर रहे हैं, अगर उनको बोला जाए कि आप दोबारा फिर से एग्जाम दीजिए, आपको 10 नंबर ग्रेस मार्क दिया जाएगा, तो क्या वो ये श्योर हैं कि उनका दोबारा हो जाएगा? तैसे हम लोग अब 8 साल 10 साल से काम करते आ रहे हैं, उसी काम के लिए, उसी पोस्ट के लिए दोबारा हमको सिलेक्शन पैनल से क्यों गुजरना होगा? अच्छा, आपके विभाग के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, 4 दिन से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या उनसे बात हो पाई या किसी तरह का कांटेक्ट हो पाया मंत्री जी की तरफ से? नहीं हो पाया है। आप लोग कैसे चाह रहे हैं कि आपका बात वहाँ तक पहुँचे? हम लोग जब तक नहीं वो आएंगे तब तक हम लोग धरना से नहीं हटेंगे, हम लोग अनिश्चितकालीन तक धरना में बैठे हैं अभी, और जब तक वो आपस में आके कुछ न, हम लोग को कुछ संतोषजनक कुछ नई बात को नहीं रखेंगे तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। किसी तरह का आपने ज्ञापन सौंपा या मंत्री जी से कांटेक्ट करने की कोशिश की इस विषय पर? यस। क्या जवाब आया उधर? अभी उधर से कोई जवाब नहीं आया है। नहीं। अच्छा, 31 दिसंबर को आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और दिन अभी गिन के 20-25 दिन और बचा हुआ है, क्या लगता है अगर सरकार नहीं मानेगा तो आगे आप लोग का क्या रास्ता होगा? हम लोग धरने पे बैठेंगे, रोड पे आ जाएंगे। कई साल से काम कर रहे थे इस विभाग? 7-8 साल से काम कर रहे हैं। दीदी आप भी 8 साल से इसी फील्ड में हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग का 30 तारीख तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है या सरकार इस पे आगे कुछ पहल नहीं करती है, झारखंड के जो विभाग है, तब आगे क्या होगा, कैसे आप लोग आगे आप लोग का जीवनी चलेगा, सोचे हैं इस बार? अभी तो सोचे नहीं है, लेकिन हम लोग को जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा तब तक तो हम लोग ये करेंगे ही, धरना करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे।
जब तक न्याय नहीं होगा तब तक धरना पे बैठिएगा। हाँ बैठेंगे धरना पे, आगे भी ज्ञापन सौंपेंगे। कहाँ घर है आपका? लातेहार। लातेहार। आपके अलावा घर में और कौन कौन है कमाने वाला? सिर्फ हम, अभी हस्बैंड तो कुछ नहीं करते हैं, छोटी बच्ची को छोड़ के आए थे जॉब में, इतने साल से कर रहे हैं जॉब, और अभी सरकार को लग रहा है कि हम लोग को हटा के नया नियुक्ति निकाली तो बहुत गलत कर रही है। आपका क्या नाम है दीदी? राखी नाम है, राखी कुमारी, बोकारो जिला से। हम ये जानना चाह रहे हैं, चूंकि आप लोग इतना समय से इस फील्ड में थे, अब जाके कहा जा रहा है कि बहाली नया होगा, आप लोग भी एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन क्या ये सही होगा कि 8 साल हम नौकरी कर लिए और फिर वही नौकरी के लिए हमको फिर से एग्जाम देना है? नहीं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि अब हम लोग ना कुछ कर सकते हैं आगे, और मेरा बाल बच्चा सब पूरा परिवार रोड पे आ जाएगा, और तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अच्छा, आप बोकारो से हैं, अगर ये आंदोलन ज़्यादा दिन तक चला तो फिर यहाँ पर आप कैसे रह के आंदोलन कर पाइएगा, क्योंकि घर बार तो बोकारो में है, तो ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा ताकि आपकी नौकरी बचे? यहीं पे रहेंगे, दिन रात हम लोग यहीं पे धरना देंगे, और जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है तब तक भूखे प्यासे हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो देखिए, मामला ये है कि एक और अनुबंधन कर्मियों का जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है 31 दिसंबर को, स्वच्छ भारत मिशन के कर्मी है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जो एग्जिस्टिंग जो कर्मचारी हैं उनको रखा जाए, अगर और कर्मचारियों की ज़रूरत हो तो नई बहाली की जाए, लेकिन झारखंड सरकार का जो स्वच्छता जो विभाग है वो नए प्रक्रिया से नई बहाली निकालने की बात कर रहा है। अब देखना आगे ये होगा कि सरकार इसमें आगे क्या फैसला लेती है, और अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो इनका आंदोलन कहां तक आगे जा पाएगा। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने सहयोगी सनी के साथ मैं ऋषभ। द फॉलो अप डॉट इन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in।